रीठी थाना अंतर्गत आने वाले देवरी फाटा कॉलोनी निवास कान के दर्द से पीड़ित बुजुर्ग गंगाराम साहू कटनी के जिला अस्पताल में अपने कान दर्द के इलाज के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि विगत दिनों पूर्व मरीज द्वारा जिला अस्पताल के डॉक्टर से कान के दर्द को बतलाया था। डॉक्टर द्वारा कान के दर्द से पीड़ित मरीज को दो दिन बाद आने को कहा था। मरीज ने जब गुरुवार को जिला अस्पताल में दोबारा डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने दवाई तो लिखी लेकिन वितरण केंद्र द्वारा बुजुर्ग को एक्सपायरी डेट की दवाइयां दे दी गई। बस क्या था, वहां इसको लेकर बवाल मच गया। मरीज द्वारा जब इसकी शिकायत सिविल सर्जन डॉक्टर यशवंत वर्मा से की तो सिविल सर्जन ने इसे गंभीरता से लिया और दवा वितरण केंद्र में ड्यूटी पर तैनात नर्स एवं वहां तैनात स्टाफ को बुलाया और फटकार लगाते हुए समझाइश दी कि जितनी भी एक्सपायरी डेट की दवा वहाँ स्टॉक में है वहाँ से अलग कर दे और बुजुर्ग मरीज को दूसरी दवा तत्काल दे। अनुमान देखा जाए तो इस तरह की घटना जिला अस्पताल की यह पहली घटना सामने नहीं आई, ऐसा कई बार मरीजों के साथ देखने को मिला है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अच्छी स्वास्थ्य सुविधा गरीबों को देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही मगर विभाग में बैठे अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा ऐसे ही अनपढ़ गरीबों को उठाना पड़ता है जो घंटों लाइन में लगने के बाद अपना इलाज कराते हैं और उनके साथ ऐसी घटनाएं सामने देखने को मिलती है जो कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और उसके मैनेजमेंट पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। ऐसी लापरवाही पर मध्य प्रदेश सरकार का चाबुक कब चलेगा जिससे गरीब स्वास्थ्य सुविधाओं को लाभ अच्छे से उठा सके। मेरे कान में दर्द होता रहा तो कान में तो थोड़ा सा खुजा दी तो मवाद आवाद का दर्द हो तो मैं 25 तारीख को चेक करवाए फिर उन्होंने बोले 2-3 दिन बाद फिर आ जाना। आज आए तो लाइन में लगा रहा सवेरे से, वहाँ पर डॉक्टर वाला आँख वाला कान वाला डॉक्टर नहीं था, दूसरा डॉक्टर था, उन्होंने मेरे इसमें लिखा फिर वहाँ से मेरे को गोली दी गई और शीशी दे गई तो बैक डेट में शीशी मेरे को दी गई क्योंकि 5 दिन पहले जबकि 28 तारीख को एक डेट चूक जाता 3 तारीख को दी गई। फिर इसके बाद मैंने सिस्टर उस डॉक्टर शिवर सार्जन के यहाँ गया तो डॉक्टर बोला उसको दिखाई शीशी देखे बाद में ये रसीद जो मेरी रसीद है ये लिया हूँ इसकी फ़ोटो कापी डॉक्टर शिवर सार्जन उसकी फ़ोटो कापी ले लिए और सिस्टर को फिर बुलाए, हम वहाँ बैठे थे सिस्टर को बुलाए, सिस्टर से बोले कि ऐसे क्यों बैक डेट में देते हो, उनको डांटा मेरी शीशी ले जाके अपने पास धर लिए फिर मेरे को एक तबादला में दूसरी शीशी दिए हैं। इतना कटनी ज़िले की हॉस्पिटल में इतनी लापरवाही मची हुई है किसी की तरह सी धोखाधड़ी में दवाई गोली के पीछे में आत्महत्या चाहते कहो तो उसकी पहले कोरे कागज़ में दस्तखत करवा लेते हैं और कान में कोई ख़त्म हो जा एक बहरा हो जा गूंगा हो जा इतनी लापरवाही मची हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा गंगाराम साहू नाम है, ग्राम पंचायत द्योरी कला का रहने वाला, तहसील रीठी का रहने वाला हूँ। आज तक मेरे पास लिए हैं और आज डॉक्टर के भी दस्तखत है, फोटो का भी इसका शिवर सार्जन ले लिए। कटनी से प्रवीण कुमार पारेश्वर की रिपोर्ट।